मैं आई विजिटेड भूर सिंह म्यूजियम। 1880 जम्मू से लौटते थे। हाँ जब भी था ओके न्यूयॉर्क हाँ जम्मू हाँ एंड देन हाँ चंबा पठानकोट होते हुए या 2018 आई बिलीव। तो भूर सिंह म्यूजियम में 4 फ्लोर्स हैं और उसमें अलग अलग जो एक न्यूमिस्मेटिक्स इंस्क्रिप्शंस आइकोनोग्राफी पेंटिंग्स ये सारा कंजर्व जो हिस्ट्री है इस फॉर्म में वहाँ कंजर्व्ड है। तो मैंने जो वहाँ देखा था सर कि फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर था उस पे सारे इंस्क्रिप्शंस लगे हुए थे, स्टोन इंस्क्रिप्शंस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो जनरली माने जाते हैं कोई रिलीजियस डोनेशन है या राजा के कोई आदेश हैं जिनको हम एडिक्ट्स बोलते हैं, तो वो उस पर मिलेंगे। दूसरा जो विलेज लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोकल बॉडीज़ होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी, वो क्या रिकॉर्ड करती थी, ऑफिशियल ऑर्डर्स क्या जारी करती थी, उसके इंस्क्रिप्शन हैं। पनघट का, जैसे मैंने कल आपको बताया कि पनघट का दरवाज़ा किस तरह का होता था और उसके ऊपर रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन और महिलाएं पानी खींच रही हैं वो वाला रिप्रेजेंटेशन है, प्लस इरिगेशन किस तरह से होता था, उसके जो पत्थर वगैरह सब हैं वहाँ रखे हुए हैं। फिर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वो पूरा पेंटिंग्स हैं वहाँ पर मिनिएचर। तो वहाँ पर कांगड़ा का रिप्रेजेंटेशन भी है, गुलेर भी है, बशौली भी है और चंबा की पेंटिंग्स भी है। राजा संसार चंद्र जो कांगड़ा के सबसे बड़े शासक माने गए, हु पेट्रनाइज्ड आर्ट, उनकी भी पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है। और क्लासिकल रिलीजन और ट्राइबल रिलीजन और ट्राइबल एंड क्लासिकल रिप्रेजेंटेशंस किस तरह के हैं वो उन पेंटिंग्स में हम जान सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फ्लोर है वो पूरा कॉइंस को दिया हुआ है। तो न्यूमिस्मैटिक्स हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले। हम उससे क्या क्या जान सकते हैं, एक आर्ट ऑफ मेटलर्जी, कौन सा मेटल उसमें यूज हुआ, तो किस क्या प्रोसेस था, भट्टियाँ किस तरह की थी कि जिसमें उसको धातु को गलाया जाता था, फिर उनकी मिंटिंग कैसे होती थी, तो स्टेट मिंट्स जो हैं उनको कैसे मिंट करते थे, उसके ऊपर लगने वाली जो सील्स हैं उन सील से एक तो राजा के बारे में पता चलता है, उसके ऊपर अगर कोई टर्म जो है वो इंस्क्राइब्ड है, जैसे श्री राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो राजा जो है वो राम को फॉलो करने वाला था, राजा का सिर कई बार उसमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें कॉइन्स जिसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं उससे पता चलती। फिर प्योरिटी ऑफ मेटल जो है वो एक स्टेट की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का बहुत बड़ा साधन है, हाँ वो भी। और प्योरिटी कैसे इकोनॉमी को डिफाइन करेगी, द प्योर द मेटल द रिचर द स्टेट, क्योंकि जब स्टेट के एक्सचेकर में जब धातु की कमी होने लगती है तो क्या करता है स्टेट, हमारा जैसे 1 रुपए का सिक्का जो कलदार हुआ करता था पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में, आज टिन का इतना सा टुकड़ा रह गया है ना। तो प्योरिटी एंड साइज ऑफ कॉइन्स ये बतलाते हैं कि एक स्टेट किस तरह से इकोनॉमी को लूज़ कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मेटल उसमें एलॉय जो है वो उसमें डाल रहा है, प्योरिटी ऑफ मेटल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें न्यूमिस्मैटिक्स से पता चलेगी। तो एक पूरा फ्लोर वहाँ पर न्यूमिस्मैटिक्स का है। और फोर्थ फ्लोर पर कुछ मिक्स्ड चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं, आइकन्स का डिपिक्शन है, जैसे मैंने कल महिषासुर मर्दिनी के बारे में बात करी थी तो उसका आइकन है, शेरों की मूर्तियाँ हैं, जानवरों की मूर्तियाँ हैं, कृष्ण की मूर्तियां हैं। तो उससे 2-3 चीज़ें हमें पता चल सकती है, एक लोकल स्टोन जो है उसको कहाँ कौन से खदान से लाया गया, तो मिनरल्स उस स्टेट में कौन कौन से थे, अगर दूसरे स्टेट से लाया गया तो ट्रेड एंड कॉमर्स का पता चलता है, यही न्यूमिस्मेटिक्स से पता चलता है कि अगर एक मेटल जो है स्टेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो मेटल कहीं से लाया गया, तो ट्रेड रिलेशंस जो थे उसके उस स्टेट के साथ थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है भूर सिंह म्यूजियम से हमें मिल सकती है।
हिस्ट्री जो है हमें बता सकती है. कॉपर प्लेट्स जो हैं उसमें, कॉपर प्लेट्स जो हैं दे आर लैंड ग्रांट्स. तो ज़मीन का कौन सा टुकड़ा दिया गया, किसको दिया गया. और कॉपर प्लेट्स में एक संस्कृत टर्म हमेशा लिखी जाती है कि एक व्यक्ति को दिया जा रहा है या यावत चंद्र दिवाकर दिया जा रहा है. इसका मतलब है अगर व्यक्ति को दिया जा रहा है तो वो लैंड ग्रांट व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही वापस स्टेट के पास चली जाएगी, स्टेट ओन कर लेगा उसको. और अगर नीचे यावत चंद्र दिवाकर, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारे नाम रहेगा, यानी इनहेरिटेंस में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसके डिसेंडेंट्स को मिलता चला जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमें भूर सिंह म्यूज़ियम में, अगर आप स्टडी करें, इन एवरी म्यूज़ियम जो है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन थ्रू दीज आर्काइवल रिकॉर्ड्स एंड मटीरियल्स. थैंक यू सर.